सुनील भाई, दो चीजें। एक तो इंडिया गठबंधन, अरे माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी ने अपना 6 पॉइंटर जो गारंटी कह लीजिए या मुख्य बातें कही हैं उस दिन रामलीला मैदान में, वो था 24 घंटे बिजली देंगे पूरे देश में। दूसरा था कि जो गरीब है उसके लिए फ्री बिजली करेंगे। तीसरा बहुत अच्छी बात थी कि भाई हर जगह सरकारी स्कूल मुहैया कराएंगे, चाहे गांव हो चाहे छोटा कस्बा हो। फिर था मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ले से लेके गांव तक देंगे। एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी, और दिल्ली का स्टेटहुड। दिल्ली का स्टेटहुड छोड़ के बाकी सारी बातें तो ओवरलैप कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के मांग से अलग नहीं है। इसके अलग अगल बगल की मांग सारे लोग कर रहे हैं, एमएसपी की बात तो सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं। मैं आपसे जरा एक चीज और समझ लूं। एक तो आप इस पे कि जो ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से जो इसका अपील की है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे एक पुछल्ला लगता था कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, अभी भी बहुत, वो मेरे ख्याल में इस बार ठीक से वॉशिंग मशीन में साफ हो गया है। उसमें कहीं कोई अब ये पुछल्ला कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है या आम आदमी पार्टी बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे ये सब करती है। मैं इस पे भी एक वो चाहूंगा। सुनील जी, धन्यवाद आनंद जी। आपका जो दूसरा सवाल है उसकी शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं निजी रूप से मानता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मतलब राजनीतिक गतिविधियां आम आदमी पार्टी की वैसी रही हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता था। यह एकेडमिक बहस हो सकती है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने विस्तार का मौका मिलना चाहिए, उसको उसकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस मौके पर आपको यह भी देखना होगा कि किस तरह की राजनीतिक चुनौतियां सामने हैं। जब अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, कोई नहीं कर रहा था कि अब बी टीम है, हालांकि आरएसएस के लोग उस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से कर रहे थे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस कहीं सामने नहीं था, सब पीछे से समर्थन चल रहा था। और दिल्ली के लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से और तमाम पत्रकारों ने अपनी आंख से देखा, लेकिन उसे बात नहीं कही जाती थी क्योंकि एक आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की ताकत बढ़ी और वो ऐसे इलाकों में जाकर चुनाव लड़ने लगे जहां इनका संगठन भी नहीं था, गोवा में, उत्तराखंड में, गुजरात में, ठीक है, आप इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता किसी राजनीतिक दल को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अगर आप गुजरात जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को चुनौती देनी है, तो क्या आप मिलीजुली ताकत से चुनौती दे सकते हैं या अलग अलग चुनौती दे सकते हैं, और आपके होने से फायदा किसको? ये बात सवाल थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, उसके पास संख्या बल भी है, उसके पास संगठन भी है, तो उसको मदद करनी है या उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं, ये बड़ा सवाल था। दूसरी चीज का एक और भी कारण था कि अरविंद केजरीवाल साहब उन्हीं बातों को कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही थी, यानी कि वो मुद्रा पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने के समर्थक हो गए, तो ये जो जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी उसके समर्थन में खड़े दिखाई पड़े। तीसरी चीज कि जो जिस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों से अपने आप को अलग कर लिया, चाहे जहांगीर में जहांगीरपुर में बुलडोजर चलना हो और चाहे शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, उन्होंने अपने आप को अलग अलग रखा और कहीं भी उन्होंने उन आंदोलन के समर्थन में या पीड़ित पक्ष के पक्ष में खड़े होने की हिमाकत नहीं की। गुजरात के चुनाव में जब वे गए तो जब बिल्किस बानो के साथ जो कुछ भी वहां पे हो रहा था, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, न उनके जो गिरफ्तार लोग थे, सजा याफ्ता लोग थे, उनके छोड़ने का मुद्दा रहा हो, चाहे अल्पसंख्यकों का कोई मुद्दा वहां रहा हो, कहीं भी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये तमाम गतिविधियां थी, उससे लगता था कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि इंडिया दल समूह गठित होने के बाद उनके पास विकल्प क्या बचा था? क्या वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की स्थिति में थे? मुझे लगता है कि नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता किसी दूसरे रास्ते से जाकर के बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी मौजूद है तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता, आम आदमी पार्टी के माध्यम से बीजेपी के पास नहीं जाएगा। अब इससे जब आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाताओं पर ही निर्भर करना होगा, जिसपे अन्य गैर भाजपा दल निर्भर है। तो
इंडिया दल समूह में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई भी स्थिति हो गई कि कोई भी तीसरा कोण बनने के लिए आम जनता तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश से क्यों ये आम आदमी पार्टी चुनाव हट गई विधानसभा के चुनाव, क्योंकि वह प्रचार की वह गति नहीं पकड़ पा रही थी, जिस गति के लिए, जिस आक्रामकता के लिए, जिस जन समर्थन के लिए, जिस संगठन के लिए यह पार्टी जानी जाती है। अब वहां पे दाल नहीं गल रही थी हिमाचल में। परिणाम क्या कि एक दो सभाओं के बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने आप को समेट लिया और वो सीधे गुजरात चले गए। गुजरात में उनको जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसमें सूरत जैसे इलाके में, थोड़ा भरूच जैसे इलाके में उनको समर्थन नहीं मिला था, तो उनका उत्साह था, तो सीधे अपने आप को उन्होंने गुजरात में केंद्रित किया, हिमाचल छोड़ दिया। बाकी जगहों पर उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं चल पाया। तो यह कारण केवल बन गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं तो आपको न तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता पसंद करेगा और न ही गैर भाषा मतदाता पसंद करेगा। यह हालात बने, ये आपको हालात बनते दिखाई पड़े जनता दल या एस के साथ कर्नाटक में, बीआरएस के साथ तेलंगाना में, मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश में, कोई भी किसी दल को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वो सब के सब किनारे हो गए और लड़ाई उन दलों के साथ हो गई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे थे, ये कांग्रेस बनाम भाजपा, ये स्थिति बनी। अब इसे यह मजबूरी थी, यह मन ये हालात, राजनीतिक हालात बन गए कि आम आदमी पार्टी के पास इंडिया दल समूह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पंजाब में इनका गठबंधन न होने को मैं तर्कसंगत मानता हूँ, राजनीतिक सूझबूझ में मानता हूँ। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल भी है, कांग्रेस भी है, वहां पे इनकम्बेंसी है, इनकम्बेंट है आम आदमी पार्टी। अगर वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के उम्मीदवार खड़े करते हैं तो जो एंटी इनकम्बेंसी यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार से असंतुष्ट व्यक्ति जो होगा उसके पास बीजेपी या अकाली दल के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो वह आप जगह देते हैं, स्पेस देते हैं अकाली दल को भी और बीजेपी को भी। अगर वहां कांग्रेस मौजूद है तो उनके पास ये विकल्प बचा हुआ, क्योंकि कांग्रेस का वहां पे आधार भी है, गठन संगठन भी है। तो कांग्रेस मौजूद होकर के बीजेपी, गैर बीजेपी और गैर आप दोनों मतों को पाने के लिए वो एक स्थान देती है। तो मैं उस दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने को मैं एक राजनीतिक सूझबूझ मानता हूँ। मैं यही स्थिति मेरी राय टीएमसी के बारे में भी पश्चिम बंगाल में भी है, कि अगर टीएमसी और कांग्रेस चुनाव मिलकर चुनाव लड़ती है तो टीएमसी से नाराज मतदाता कहां जाएगा, स्वाभाविक है बीजेपी के पास जाएगा। तो आप बीजेपी को विकल्प के रूप में सामने ला देते हैं अनायास, जो बीजेपी को नहीं भी देना चाहते। अब स्थिति है कि अगर वहां कांग्रेस ही मौजूद है, वामपंथी मौजूद है, तो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं, वामपंथियों को भी वोट दे सकते हैं और बीजेपी को नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति में बीजेपी के अलावा वो किसी को नहीं देंगे, वोट तो देंगे ही देंगे निकल करके। तो वहां भी जो लड़ाई है उसको मैं बहुत अतार्किक नहीं मानता हूं। तो आम आदमी पार्टी के साथ, अब आम आदमी पार्टी की स्थिति है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना है, मेन स्ट्रीम में गैर भाजपा राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो निश्चित रूप से इंडिया दल समूह में ही रहना होगा। इंडिया दल समूह वह समूह मतलब जिसमें कांग्रेस मौजूद हो। आज विपक्ष मैंने गैर भाजपा राजनीति की ध्रुवी वह कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती है। कांग्रेस वहां मौजूद है, लोगों के आकर्षण में है और आप उनके साथ साथ हैं। आप देखिए ना, प्रोफेसर साहब ने बात कही एनडीएमसी के चुनाव के बाद, उसमें अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी की बड़ी दुर्दशा हुई। जो परंपरागत जो विधानसभा के चुनाव में जो वोट मिले थे वो वोट नहीं मिल पाया उनको, वहां कांग्रेस के लोग वोट ले गए। यहां तक कि एक एक आम आदमी एक कांग्रेस के अल्पसंख्यक जीते हुए प्रत्याशी पार्षद, उन्होंने इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। यह स्थिति हुई कि लोग खड़े हो गए सड़कों पर और उसके घर को घेर लिए कि पहले तुम इस्तीफा दो उसके बाद जहां जाना चाहो जाओ, वो नहीं जा पाए। तो हालत ये हो गई कि वहां पे अल्पसंख्यक बोल इलाकों में आम आदमी पार्टी का अपना मत प्रतिशत सत्ता होने जा रहा है। तो अगर सवर्णों में आप भाजपा का वोट में से लगा नहीं पा रहे हैं, जो गैर भाजपा मतदाता है जिसमें अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं, उसमें आपका आधार खिसकता जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखने के लिए आप उसी संगठन के साथ जाएंगे जहां रह करके आप गैर भाजपा मतदाताओं को अपने साथ जुड़े रख सकते हैं।
अब ये दिल्ली से दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों का संगठन मिल करके भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। संसदीय चुनाव में हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस का मत प्रतिशत दिल्ली में हमेशा बेहतर रहा, वोट के बंटवारे की वजह से। हालांकि कह सकते हैं हम कि 50% से ज्यादा वोट पाकर के बीजेपी के उम्मीदवार बहुत जगह जीते हैं, लेकिन कई बार तब भी ये 50% आपके पास बढ़ जाता है जब मतदाताओं के सामने विकल्पहीनता होती है कि इनको भी वोट मिलेगा, उनको भी वोट मिलेगा, कोई जीतेगा नहीं, हम फलाने को दे देते हैं, हमारा वोट बर्बाद हो। ये जो वोट बर्बाद न होने का एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है, वह मत प्रतिशत जीतते हुए उम्मीदवार के पक्ष बढ़ा देता है। जब मिली जुली ताकत होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या होगी, और भारतीय जनता पार्टी 7-0 का अपना पिछला परिणाम 2014 का परिणाम नहीं दोहरा सकती। यह एनडीएमसी के चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ा और विधानसभाओं के भी चुनाव में साफ दिखाई पड़ा। अब रही बात अरविंद केजरीवाल साहब के जेल में रहने का, देखिए अब देश की जनता, किसी समाज की जनता पीड़ित के साथ होती है, और यह पीड़ित की स्थिति है, पीड़ित की स्थिति बनी हुई है। सबको समझ में बात आ रही है कि आखिर 2-3 साल पुराने मामलों में आप गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? चुनाव के समय में इस तरह गिरफ्तारियां क्या कहीं होती हैं? जिनके माने जो अराजक तत्व हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उनको लेकर के ये बनता है कि साहब जो निर्वाचन आयोग कहता है कि जो वारंट जारी हो चुके हैं उनको आप तामील कराओ, नया वारंट बनाओ, इसकी बात नहीं होती। आपने 2022 का मामला है, आप जो पश्चिम बंगाल में ऑपरेट करने गए, आप सभी, मैंने मुझे याद है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूं, वो कहते थे कि जिसमें जिस किसी मामले में इंतजार किया जा सकता है वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आग नहीं लगी हुई कि आपको फायरब्रिगेड लेके दौड़ना है, लेकिन अगर आप किसी मामले में आप किसी को समन करना है तो आप इंतजार कर सकते हैं। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं तो 2 महीना और इंतजार कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए, कोई हत्या है तो उसकी गिरफ्तारी में लेकिन कोई घटना 3 साल पहले हुई है उसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। और खासतौर से जब आप राजनीतिक दलों के खिलाफ काम करते हैं तो एक माहौल बनता है कि आप राजनीतिक दलों को उनकी राजनीतिक गतिविधियां संपादित नहीं करने देना चाहते, आप अवरोध पैदा कर रहे हैं, आप चुनाव को सामान्य स्तर पर नहीं रहने देना चाहते, राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखना चाहते हैं जो आपके खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अगर आज और नहीं तो मान लीजिए आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इनकी जमानत हो जाती है तो और भारी पड़ेगा, जो जैसे संजय सिंह की स्थिति हो गई है। संजय सिंह की जो बातें सुनी जा रही है, मतलब अगर संजय सिंह का कोई भी इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, लाखों से कम लोग ने नहीं देखा है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख उस इंटरव्यू को लोग देख लिए, कि कौन लोग हैं, किनकी रुचि है। अभी सोशल मीडिया पे जो ट्विटर कहलाता था, आज एक कहलाता है, इसमें तमिलनाडु के राजनीति के तहत डाउन डाउन बीजेपी का एक ट्रेंड चल रहा है, सुबह से चल रहा है। क्यों स्थिति बन गई? भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो वहां स्टालिन पुत्र के खिलाफ इस मामले को भी लेके गई कि वो सनातन के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं, वह अभी किचित्यू के बारे में जो द्वीप है उसका भी मामला आपने उठा दिया जो 50 साल पहले था। 50 साल पहले की गलती को, कथित गलती को आप रेखांकित करने के लिए तैयार है, उस गलती को सुधार के लिए पिछले 10 साल में आपने क्या किया इसकी चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं, बात किसमें सुनेंगे लोग। तो उसके बावजूद भी अगर तमिलनाडु की राजनीति के संदर्भों में डाउन डाउन बीजेपी है तो आप राजनीतिक माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, इनका प्रचार सामान्य प्रचार नहीं होगा। ये जो शक्ति का बाण लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घूम रही है, ये भोथरा हो जाएगा जब इनका प्रचार अभियान चलेगा। और आज भी इनको सुनने वाले आप छत्तीसगढ़ में, अरे झारखंड की स्थिति आप देख लीजिए कि झारखंड में कल्पना सोरेन की सभाएं किस तरह से सफल हो रही है, किस कदर लोग उनकी सभाओं में लोग उमड़ रहे है। क्या कि इस सबको लग रहा है कि आप चुने हुए जो उनका समर्थक है और जो व्यक्ति किसी पार्टी के साथ प्रतिबद्ध नहीं है
उसको लगता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार कर लेंगे वो भी चुनाव के दौरान। और अगर जो मामले बन रहे हैं अभी जैसे छत्तीसगढ़ वाले मामले में शराब घोटाला ये एक्साइज के मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मामला नहीं बनता, पूरे पूरे मामले को खारिज कर दिया। अभी भीमा कोरेगांव में जिसका 5-6 साल आपने जेल में रखा उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, अभी जमानत देते समय मैडम सेन के बारे में क्या कहा। तो जब मामले सुनवाई के लिए आ रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन के लेवल तक तो मामले को उलझाए हुए हैं, जब सुनवाई के लिए आ रहे हैं तब अपने पक्ष में कोई भी आप एविडेंस देने की स्थिति में नहीं बनते। तो क्या देश की जनता देश के लोग या जागरूक लोग इसको देखते समझते नहीं है? आप इनका राजनीतिक इसके इसके इसका राजनीतिक नुकसान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, इसकी राजनीतिक कीमत आपको नहीं अदा करनी पड़ेगी। एक 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 व्यक्ति जो लगातार लगातार आपको 3 चुनावों में हराया, चौथे चुनाव के एमसीडी के चुनाव में फिर हराया, सालों साल से आप कब्जे में थे एमसीडी उसमें भी आपको सत्ता से बाहर कर दिया। तो क्या जिनसे आप राजनीतिक रूप से आप नहीं निपट सकते हैं उनसे आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके निपटेंगे और इसको लोग आम आदमी स्वीकार कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता। जिस किसी राज्य में राजनीतिक दलों को विरोधी राजनीतिक ताकतों को इस तरीके से नियंत्रित करने दमित करने अवरोध पैदा करने की कार्रवाई की गई है, लोग हमेशा पीड़ित के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वह अपने एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में सामने आ रही है जो विरोधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, विमर्श को बहस को आलोचना को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यह पूरा का पूरा जो विमर्श है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। जी जी